उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14। जब अम्राफेल शिनार का राजा था, अयोक इलासर का राजा, कदोलाओमेर इलाज का राजा और तिदाल गोइम का राजा था, तब उन्होंने मिलकर सोदोम के बेरा नामक राजा, गोमोरो के बिश्रार नामक राजा, अदमा के शिनाप नामक राजा, सबोईम के शेमेभेर नामक राजा और बेला अर्थात सोवार के राजा से लड़ाई की। वे सभी सिद्धीम नामक घाटी में, जहां अब लवण सागर है, एकत्रित हुए। 12 वर्ष तक वे कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, किंतु उन्होंने 13वें वर्ष विद्रोह किया। इसलिए 14वें वर्ष कदोर्लाओमेर और जो उसके साथ के अन्य राजा थे, वे अश्वरोत करनईम में रफाइयों, हाम में जूजियों, कीर्यताइम के मैदान में एमियों और सेईर नामक पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले होरियों को पराजित करते हुए उसके आगे एल पारान तक पहुंच गए, जो रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है। फिर वे पीछे मुड़े और एन मिशपाट अर्थात कादेश तक आए। उन्होंने अमालेखियों का सारा देश और अमोरियों को, जो हस्सोन तामर में रहते थे, अपने अधीन कर लिया। तब सोदोम का राजा, गमोरो का राजा, अदमा का राजा, सबोईम का राजा और बेला अर्थात सोवार का राजा सिद्धीम की घाटी में, एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोइम के तिदाल राजा, शिनार के अम्राफेल और इलासर के अर्याक राजा, इन सब से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। 4 राजा 5 राजाओं के विरुद्ध थे। सिद्धीम घाटी में बहुत से डामर के गड्ढे थे। जब सोदोम और गमोरो के राजा भाग गए, तो उनके कुछ सैनिक इनमें गिर गए, शेष पहाड़ी की ओर निकल गए। शत्रुओं ने सोदोम और गमोरा के सारी वस्तुएं और खाने पीने का सारा सामान ले लिया और चले गए। वे अब्राम के भतीजे लौट को भी उसके साथ सारे सामान के साथ लेते गए, क्योंकि वह सोदोम का निवासी था। फिर लड़ाई से भागकर आए एक व्यक्ति ने इब्रानी अब्राम को इसकी खबर दी। उस समय वह अमोरी जाति के मामरे के बलूतों के पास रहता था। मामरे एशकोल और आनेर का भाई था और अब्राम से उनकी संधि थी। अब्राम को जैसे ही मालूम हुआ कि उसका भाई बंदी हो गया है, उसने अपने घराने के 318 युद्ध में प्रशिक्षित आदमियों को लेकर दान तक उनका पीछा किया। रात के समय उसने अपने लोगों के कई दल बनाकर उन पर आक्रमण किया और उन्हें होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर में है, खदेड़ दिया। फिर वह सारे सामान तथा अपने भाई लौट को, उसके सारे सामान सहित तथा स्त्रियों और आदमियों को वापस ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथ के राजाओं को पराजित कर लौट रहा था, तब शावे की घाटी अर्थात राजघाटी में सोदोम का राजा उससे मिलने आया। सालेम का राजा मेल्किसदेक रोटी और अंगूरी ले आया। वह सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राम को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर, जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया। अब्राम ने उसे सब चीजों का दशांश दिया। सोदोम की राजा ने अब्राम से कहा, मुझे मेरे आदमी दे दो, तुम सामान अपने लिए रख लो। इस पर अब्राम ने सोदोम के राजा से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर की शपथ, डोरे का एक छोटा टुकड़ा हो या जूते की एक पट्टी,
मैं तुम्हारी कोई भी चीज नहीं लूंगा जिससे तुम यह ना कह सको कि मैंने अब्राम को धनी बनाया है। इन आदमियों ने जो कुछ खाया पिया है और मेरे इन साथियों अर्थात आनेर, एशकोल और मामरे के हिस्सों के अलावा मैं और कुछ नहीं लूंगा। हाँ, ये लोग अपने अपने हिस्से ले जाएं।